नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको बुध रेखा के बारे में। तो बुध रेखा के बारे में पिछले वीडियो में जो बताया था उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और आप इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि ना कुछ जानकारी होती है जो मैं लास्ट में बताती हूँ, इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यूस पूरी देखा करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। आज स्टार्ट करते हैं बुध रेखा के बारे में। तो बुध रेखा के देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था बुध रेखा का उद्गम स्थान, मतलब उसका कहां से वो निकल रहा है तो क्या प्रभाव। आज मैं बताऊंगी कि उसका समापन कहां पे, बुध रेखा का समापन होता है। पहले तो ये जान लीजिए, मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर देती हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बुध रेखा, देखिए यहाँ पे बुध रेखा होती है, यहाँ कनिष्ठा फिंगर, सबसे छोटी फिंगर जो है, सबसे छोटी फिंगर के नीचे, छोटी सबसे छोटी फिंगर के नीचे क्या होती है, बुध, ये बुध पर्वत होती है। तो यहीं पे, ये इसी पर्वत पे एक रेखा होती है जिसको हम बुध रेखा या बुध लाइन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये बुध रेखा का हमने पढ़ा था उद्गम स्थान, इस बुध रेखा का हमने पढ़ा था उद्गम, कहाँ से ये उद्गम हो रही है तो क्या उस व्यक्ति पे प्रभाव पड़ेगा। आज मैं बताऊंगी कि इसका समापन कहाँ पे हो रही है और चिन्ह सिंबल के बारे में मैं बताऊंगी आज मैं, कि इस पे सिंबल कौन से। देखिए, मेन जो होते हैं, मतलब अक्सर हाथ में देखा जाता है कि कुल मिला के 12 या 13 प्रकार का सिंबल होते हैं। तो वो सिंबल के बारे में बताऊंगी कि यदि बुध पर्वत पे, बुध माउंट पे वो सिंबल आ जाए तो व्यक्ति पे क्या असर होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, बुध पर्वत है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये कोई बुध पर्वत, ये आपका हो गया लक लाइन, लक लाइन बोलिए या फिर शनि रेखा। यहाँ से कोई अगर कोई लाइन जाके यहाँ पे आ जाए तो देखिए, इसका समापन एकल एकल रेखा के रूप में हो रहा है, सिंगल लाइन के रूप में हो रहा है। तो सिंगल लाइन के रूप में होना अच्छी बात होती है। ये व्यक्ति देखिए, बुध रेखा का, बुध का मतलब ही है, बुध रेखा का मतलब वाणिज्य, व्यापार, हमारा बुद्धि। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसका बुध रेखा का मतलब ही है कि व्यापार, बुद्धि और आपका वाक्य शक्ति, आप कितने अच्छे बोल पाते हो, आप कितने अच्छा वक्ता हो, आपके इंटेलिजेंस लेवल को देखता है। ये सब बुध बुध पर्वत से या फिर बुध रेखा से हम इस सब चीजों का प्रिडिक्शन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसका समापन, यानी कि जिस भी व्यक्ति का बुध रेखा इस तरह से यहाँ पे एकल लाइन, सिंगल लाइन के रूप में समापन हो, तो वो व्यक्ति काफी अच्छा होगा, व्यापारिक बुद्धि का होगा और व्यापार करेगा, सक्सेसफुल होगा वो। और देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए, और देखिए, हमारा बुध रेखा एक चीज तो है, ये व्यापार का तो बताता ही बताता है, प्लस हमारे बॉडी ऑर्गन में ये नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में भी बताता है ये बुध रेखा। तो नर्वस सिस्टम जिस व्यक्ति का इस तरह से होगा तो उसका नर्वस सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा, और जितना भी बुध प्रधान जो होता है वो सब गुण रहेगा, अच्छा वक्ता होगा, अच्छा लेखक भी हो सकता है, अच्छा व्यापारी भी हो सकता है, मतलब जो भी होगा अच्छा होगा अगर एकल लाइन के रूप में हो। यदि यही रेखा मान लीजिए का समापन, इस रेखा का समापन इस तरह से बहुत सारी स्टैंडिंग लाइन हो, इस तरह से खड़ी रेखा हो, तो खड़ी रेखा के रूप में मान लीजिए है यहाँ पे समापन, तो एक हो या दो, तीन, चार हो, तो ये भी बहुत अच्छी माना गया। देखिए, इस प्रकार का व्यक्ति, जिस भी किसी व्यक्ति का इस तरह से खड़ी रेखा हो बुध पर्वत पे, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति काफी हेल्पफुल होगा, वो दूसरे का दुख को बांटेगा। अगर आप उसके पास कोई दुख या कोई तकलीफ जाके बोलोगे तो वो ऐसा आपके साथ बात करेगा, इस तरह से बात करेगा कि आपको वो चीज अच्छा लगेगा, आप उसका मतलब आपका दुख हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बोले तो इस तरह के लकीर वाले व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, हमेशा दूसरे की जो दुख को वो समझ के उसको हमेशा चाहते हैं, अपने भर पूरी कोशिश करते हैं अपने इधर से कि वो उसका दुख खत्म हो जाए। तो इस तरह का ये व्यक्ति होगा, जिस तरह का ये होगा। ये देखिए, ये हो गया। और यदि अब इसके बारे में चिन्ह के बारे में बताती हूँ कि इस पर्वत पे यदि कोई चिन्ह आ जाए तो क्या होगा। देखिए, चिन्ह कोई भी सिंबल, कोई भी चिन्ह परमानेंट नहीं होती है, वो आपके हथेली पे कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है, तो आपको ये देखना होगा। तो देखिए, यहाँ पे यदि
देखिए, पहले सिंबल के बारे में तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कितने कितने टाइप के सिंबल होते हैं। वही सिंबल को मैं बुध पर्वत पे लाके उसके जोड़ के फिर मैं बताऊंगी कि वो सिंबल अगर बुध पर्वत पे आ जाए तो व्यक्ति पे कैसा असर होगा। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए इस पे आपको वर्ग दिख जाए, तो देखिए ये वर्ग का होना किसी भी पर्वत पे किसी भी लाइन पे बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ये वर्ग का होना। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको इस तरह से वर्ग दिख जाए, इस तरह से कोई सिंगल लाइन है, मान लीजिए यहाँ तक भी हो और यहाँ पे वर्ग दिख जाए, तो ये वर्ग का होना बहुत अच्छी बात होती है कि आप हर तरह से सेफ हो। आपको बुध पर्वत पे कोई भी निगेटिविटी आ रही है, आपके व्यापार में कोई भी निगेटिविटी आ रही है, तो उसको उससे ये वर्ग अगर बन जाए तो बचाएगा। किस एज में आपके ऊपर, आपके हथेली के ऊपर वर्ग बना है ये देखना पड़ेगा आपको। उस एज में यदि आप पे किसी तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, चाहे किसी तरह का आपने इन्वेस्ट किया हो कहीं भी, कुछ भी हो, तो अगर डूबता हो तो ये अगर ये वर्ग आ जाए तो आपको इस हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। अगर ये वर्ग आ जाए तो ये सिंबल है कि आपको कभी भी निगेटिव की और नहीं जाने देगा। और देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ कि सिर्फ एक रेखा, एक सिंबल को देख के किसी को प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बहुत सारी रेखाएं देखनी पड़ती है, आपका जीवन रेखा देखना पड़ता है, लक लाइन, मस्तिष्क लाइन, सबको देख के मिला के फिर प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये मैंने वर्ग के बारे में बताया। देखिए, दूसरा चीज हो गया त्रिकोण। त्रिकोण देखिए, अगर बुध रेखा पे त्रिकोण आ जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है, व्यापार करेगा, अच्छा करेगा, लेखन में ही वो अच्छा साहित्यकार में निकलेगा। अगर मान लीजिए देखिए, बुध अगर जिसका अच्छा होगा, बुध प्रधान व्यक्ति अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा लेखक बन सकता है और अच्छा व्यापारी बन सकता है। तो ये सब चीज जो होते हैं, और देखिए आपके हथेली पे कोई भी सिंबल अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव आ रहा है तो आपको आपकी सब कुछ सही चल रहा है, एकाएक गड़बड़ा जाएगा, एकाएक सब कुछ गलत होने लगेगा। और पॉजिटिव सिंबल आ रहा है तो सब कुछ गलत हो रहा है तो एकाएक आपके साथ सही होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंबल का इम्पोर्टेंस हमारे हथेली में होता है। और ये हो गया। और देखिए तीसरा सिंबल क्या हो गया, अगर सपोज यहाँ पे आपको त्रिशूल आ जाए, मान लीजिए त्रिशूल आ गया, ये जो रेखा का समापन है, और त्रिशूल कैसे होगा, जैसे इस तरह से ऐसे त्रिशूल हो जाए, तो त्रिशूल का मतलब ये हुआ कि आपको ये कहीं भी डूबने नहीं देगा। व्यापार कर रहे हैं उसमें आपका बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छा है, आपकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही अच्छा है, अपर है। ये बुध प्रधान व्यक्ति का ये सब जो नर्वस सिस्टम, सब कुछ बहुत ही अच्छा, सब कुछ वेल सेट चल रहा है। इस तरह का अगर आपके त्रिशूल आ जाए बुध पर्वत पे, ये बुध पर्वत है, बुध पर्वत पे अगर इस तरह का सिंबल आ जाए तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपको इस तरह से फॉर्क हो जाए, मान लीजिए एक एक लाइन आ रहा है और इस तरह से आ रहा है, और इस तरह से कोई शाखा छोटी सी निकल के यहाँ पे समापन, बुध लाइन के समापन पे इस तरह से हो जाए, तो देखिए तो मरकरी माउंट पे इस तरह से हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम दो तरह का है। आप एक तरह के सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं हो, आप दो तरह के हो। तो आपको अगर नहीं है, एक आ जाए तो आने वाला है, या पहले से है तब तो आपको आपको पता होगा। जिसके हाथ में अगर ये इस तरह का रहेगा तो उसको हमेशा डबल सोर्स ऑफ इनकम होगा, इस तरह से अगर बन जाए तो। देखिए ये सब पॉजिटिव साइन हुए, जो भी मैंने बताया ये सब पॉजिटिव साइन हुए। और मान लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रॉस बन जाए, तो देखिए क्रॉस बनने पे आपको एजिंग करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में बन रही है ये क्रॉस, अगर बुध रेखा पे यहाँ बन जाए तो ये एजिंग करना होगा आपको, यहाँ पे एज करना होगा। इतने एज में आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए हो आपको घाटा लगने वाला है, कहीं ना कहीं आपका मान प्रतिष्ठा जो भी हो मतलब सही नहीं रहने वाला, कुछ तो गलत होगा आपके साथ। देखिए ये है ही बुध हमारा पैसा का, हमारा फाइनेंशियल स्थिति का, हमारा नर्वस सिस्टम का, हमारा लीवर का, हमारे व्यापार का, हमारे वाणी का, तो कुछ ना कुछ आपको गलत होगा। समापन बुध रेखा के समापन पे यदि क्रॉस आ जाए, यहाँ माउंट पे क्रॉस आ जाए, तो समझिए व्यक्ति सारी जिंदगी तो अच्छा काम किया है, अच्छा नाम कमाया, अच्छा पैसा कमाया, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा जो उसका पैसा बुड़ सकता है, उसका नाम खराब हो सकता है। तो इस तरह का सिंबल आ जाए तो ये चीज है। डॉट्स, तो हस्त रेखा विज्ञान में तिल का होना अच्छा नहीं माना गया है, तिल या डॉट्स का होना अच्छा नहीं माना गया है। आपको जिस एज में आएगा वो नुकसान करेगा,
तो बुध पे आएगा तो आपका जो बुध से रिलेटेड चीज है उसको नुकसान करेगा, बृहस्पति पे आएगा तो बृहस्पति से जो रिलेटेड चीज है, देखिए बृहस्पति अगर खराब होगा तो क्या होगा, आपका ईगो बढ़ जाएगा, महत्वाकांक्षा आप स्वार्थी जरूरत से ज्यादा हो जाएगा जाओगे, अगर शनि पे तिल आ जाए तो आपका बोन्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके टीथ में प्रॉब्लम हो सकता है, आप ज्यादा क्रोधी हो जाओगे, अगर यही तिल आ जाए आपको ये सूर्य पे तो आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, आइज में प्रॉब्लम हो सकता है, यही अगर तिल बुध पे आ जाए तो आपके व्यापार में प्रॉब्लम ग्रहण लग सकता है, मतलब तिल का होना हस्त रेखा विज्ञान में अच्छा नहीं बोला गया है, अगर बचपन से तिल हो तो अच्छी बात है, अगर इमीडिएट आए तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद आपका एक एक ग्रिल, ये जाल बुध पर्वत पे इस तरह से जाल बन जाए तो जाल बनना भी अच्छा नहीं बोला गया। ये देखिए कंफ्यूजन का है आपका, कि कभी आप सोचोगे व्यापार कर रहे हो, अरे ये व्यापार करें नहीं करें, कभी कभी आपको लगेगा इसमें पैसा लगाएं कभी नहीं लगाएं, हाँ ना का स्थिति रहेगा, आप कंफ्यूज होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो ये जाल फंसा के आपको एक तरह से रख देगा, तो जाल का ये हो गया। उसके बाद देखिए हाँ एक चीज और है, स्टार, स्टार इस तरह से, स्टार का मैंने बताया था, स्टार इस तरह से होता है, लेकिन इसका सारा एंगल अच्छा होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए तो स्टार माना जाएगा, ऐसे ऐसे रहे तो इसको स्टार नहीं माना जाएगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपको स्टार का चिन्ह आ गया, बुध पर्वत पे स्टार का चिन्ह आया, तो देखिए स्टार का चिन्ह का मतलब क्या है, ऊर्जा का विस्फोट होना, मान लीजिए यहाँ पे है एकाएक ऊर्जा का विस्फोट हो गया, तो स्टार का होना तो यहाँ पे ऊर्जा का विस्फोट आपका हो सकता है, ये निगेटिव वे में भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपका लाइन एकदम निर्दोष है। निर्दोष लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई रेखा कहीं से कटी ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, एकदम सिंगल लाइन हो तो उसको हम लोग निर्दोष रेखा बोलते हैं। और देखिए अगर ये रेखा निर्दोष हो, जीवन रेखा सही अच्छा हो, आपका सन माउंट अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तब जाके आपके हाथ पे हथेली पे एकाएक आपके हथेली पे बुध पर्वत पे आपको स्टार आ गया, तो इसका मतलब क्या कि आपका ऊर्जा सही दिशा में जाएगा, अगर एकाएक आपके दिमाग में आइडिया आएगा, कुछ करोगे और रातों रात एकदम से सफल हो जाओगे, तो ये चीज होगा। अगर यही चीज आपका ये लाइन खराब हो, मतलब बुध लाइन खराब हो, आपका जीवन रेखा खराब हो, आपका सन लाइन खराब हो, उसके उस टाइम आपके पे बुध रेखा पे अगर इस तरह से आए स्टार, तो समझिए कि आपका निगेटिव हो सकता है, एकाएक ऊर्जा आप क्या करोगे, एकदम जोश में आके तुरंत कहीं से पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, कहीं कुछ कर दोगे तो आपका वहां पे नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि स्टार हर हमेशा हर जगह सही नहीं होता है, वो आपको हर रेखा को देख के फिर बताना पड़ता है। तो ये हो गया स्टार हो गया। और देखिए और मान लीजिए यहाँ पे बुध रेखा पे, जो बुध रेखा पे इस तरह से शाखा गया हो, देखिए ऊपर की ओर शाखा अच्छी होती है, वही नीचे की ओर शाखा अच्छी नहीं होती है, लैक ऑफ एनर्जी मतलब आपका एनर्जी का लॉस हो रहा है, अगर नीचे की ओर रेखा जा रही है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, आपका डिमोशन हो रहा है, अगर ऊपर की रेखा जा रही है बुध पर्वत पे जा रही है तो बुध का गुण आप में अच्छा हो रहा है, यदि यही मतलब जिस पर्वत पे जाएगी वो गुण आप में अच्छा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मान लीजिए बुध पर्वत पे आपको आइलैंड दिख जाए, आइलैंड इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे आपको आइलैंड दिख जाए तो ये अच्छा नहीं होता, ये निराशा का चिन्ह होता है, ये कहीं भी अच्छा नहीं होता, ये सिंबल कहीं भी हथेली पे अच्छा नहीं माना जाता है, जहाँ पे होगा उस पर्वत को उस रेखा को ये खराब करेगा, व्यक्ति के यहाँ बुध पे होगा तो वो बिजनेस करेगा फिर भी उसको नुकसान होगा, निराशा ही लगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म रहेगा इंसान का, तो ये सब गुण होते हैं। त्रिशूल अगर जिस किसी पे हो तो वो देखिए उसको बुद्धि जो है ना बहुत अच्छा रहेगा, एकदम कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा टैलेंट जरूर होगा, जिसके हथेली पे अगर त्रिशूल बना हुआ हो, बुध पर्वत पे अगर त्रिशूल बना हुआ हो तो वो व्यक्ति में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वो कुछ ना कुछ स्पेशल उस व्यक्ति में जरूर होगा जिसपे ये त्रिशूल बना हुआ हो। सिंबल के बारे में बताया, अगर बुध लाइन पे ये सब सिंबल हो तो ये सब गुण होंगे। तो देखिए बुध लाइन के बारे में मैंने बताया, बुध रेखा ही होती है व्यापार का, वाणिज्य का, बुद्धि का, आपके लेखन का और आपके नर्वस सिस्टम का, तो ये सब चीज आप बुध रेखा से देख सकते हो, बुध पर्वत पे ये सब सिंबल आए तो ये सब गुण हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।